बलवान के बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। ओम बापू सरदार राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा ही जय। सब संतन की जय। वाह जी वाह। आज भी 6 अगस्त 2024 धन्यवाद है उस परम पिता परमात्मा का जिन्होंने सानू सुहासा की पूंजी बख्शी हुई है। चले आ रहे ने, है ना, लखां करोड़ां श्वास लै लैने आ एक जन्म दे। महाराज कृपा बनाई रखे, सब दी दीर्घायु होए, सब स्वस्थ रहन भई, सारी दुनिया दे उते एकदम शांति बनी रहे। ते थैंक यू फॉर अनदर ब्यूटीफुल डे इन आवर लाइव्स। थैंक यू महाराज। और आज दे जो सत्संग दी जोड़ा, सत्संग का नाम ही इन्ना प्यारा है कि संत श्रद्धा राम सत्संग परिवार। आहा, तो ये महाराज परिवार नु सुख बख्शो, ते ये परिवार नु सदबुद्धि भी बख्शो महाराज जी, बल बुद्धि बख्शो, ताकि इस पासे जुड़े रहिए। कदे ख्याल है ना होए भी कदे इस पासो ध्यान हट जाए, ये सदबुद्धि बख्शना महाराज। हुण जुड़े हुए हैं ते सारे इस तरह जुड़ते रहिए रोज, ते आखिरी दिन तक जुड़े रहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अज की जड़ी शुरुआत करते हैं सरदार जोगिंदर सिंह जी अरोड़ा, जेडे लुधियाने तो रोज जुड़ते हैं म्यूजिक के नाल। सानू मोस्टली इन्हों के भजन सुनने मिलते हैं, शब्द भजन कुछ भी सुनाओ जोगिंदर सिंह जी। फिर इस तो बाद गुलाटी साहब नू कहांगे वाहिगुरु के नाम नाल जोड़नगे, फिर सारे बाकी संगत जी जुड़ी हुई है अपना अपना वीडियोज ऑन करो, ते फिर अपन नाल नाल सारे सुनते हैं। ठीक है, ओके जी। वाहिगुरु खालसा वाहिगुरु जी फतेह। लगाओ जी। ओम बापू नंदा चोर वाले आपकी आपकी सदा ही, सदा ही ओम जय, जैसा झंडे की सदा ही, राही जय। नंदा चोर वासी नाही, पूर्ण विनाशी नाही, वंदना हमारी है जी बार बार वंदना। वंदना हमारी, एक बार वंदना, अनेक बार वंदना, 100 बार वंदना, 1000 बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। नंदा चोर वासी ताई, पूर्ण अविनाशी ताई, वंदना हमारी है जी बार बार वंदना हमारी है। ईश्वरानंदना दंडोत मेरी वंदना, कटो जी मोरी वंदना, लगावा घस चंदना। नंदा चोर वासी ताई, पूर्ण अविनाशी ताई, वंदना हमारी है जी बार बार वंदना हमारी है। एहो है उमंग संगो बख्शो सतसंग जी, बख्शो सतसंग जाड़ो ना मवाला रंग जी, दुई ते दवैत वाली ठाओ बापू कंद जी। नंदा चोर वासी ताई, पूरन अविनाशी ताई, वंदना हमारी है जी बार बार वंदना हमारी है। दोनों हाथ जोड़ बापू दासी हो मंग दी, तेरे कोल मंग दी मैं भूल ना संग दी, बख्शो सतसंग चाड़ो नाम वाला रंग दी। दुई कट दे ओ जमा वाले सारे दुश्मन जी, नंदा चोर वासी ताई, पूरन अविनाशी ताई, वंदना हमारी है जीवार पार वंदना हमारी है। पिताजी मेरे संकट दूर करो, दाता जी मेरे अवगुण दूर करो, प्रभु जी मेरे संकट दूर करो, गुरु जी मेरे अवगुण दूर करो, संकट मोचन नाम तुम्हारा सपना जे करो, पिताजी मेरे संकट दूर करो, दाताजी मेरे अवगुण दूर करो,
ਨਾਜ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਰੂਪ ਧਰੋ ਨਾਜ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਰੂਪ ਧਰੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣ ਦੂਰ ਕਰੋ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸੂਨਾ ਭਗਤੀ ਕੇ ਸਾਥ ਭਰੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣ ਦੂਰ ਕਰੋ ਸੰਤ ਦਾਸ ਨੂੰ ਚਰਨੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਸੇ ਸਗਲ ਹਰੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣ ਦੂਰ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣ ਦੂਰ ਕਰੋ ਹਮ ਆਪਣੇ ਦਾ ਚਰਨਾਂ ਨੇ ਆਇਆ ਕੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। बहुत ਵਾਹ ਜੀ, प्यारा जोगिंदर सिंह जी, थैंक यू। ਬਹੁਤ ਹੀ समा बन ਸੁੰਦਰ। दिता, समा बन ਪਿਤਾ दिता। ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਲਗਾਓ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪੂਰਨ ਦਇਆਲਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਕਵਨ ਕਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਾ। ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਇਕਟ ਵਸੇ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ। ਲੋਗ ਬਤਿਆਏ ਕਛੂ ਨ ਪਾਏ, ਸਾਚ ਲਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਮੈਂ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਏ ਲਏ ਸੋ ਲਾਗੇ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਅੰਤਰ ਤਿਸ ਜਾਗੇ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਓ, ਪਰਿਓ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਹਲ ਦੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखन हार दयाला, तुमरे घर के गोले, तुमरे घर के गोले, सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु गुरु जी, वाहे गुरु बोलिए कदे बिना डोलिए, वाहे गुरु बोलिए कदे बिना डोलिए, वाहे गुरु कहना सदा सुखी रहना, वाहे गुरु कहना सदा सुखी रहना, सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, बिन तुद होर जे मंगला, सिर दुखा के दुख देओ नाम सन तो किया, उतरे मन की भूख, सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु वाहे नाम जप लैनी माणी जिंदे मेरिए, ओखे वेले कम आएगा, ओखे वेले जी कम आएगा, ओखे वेले जी कम आएगा, नाम जप लैनी माणी जिंदे मेरिए, ओखे वेले कम आएगा, सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, सतनाम 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 जी, श्री मोहे न विसारो मैं जन तेरा, राम गुसैया जी के जीवना, ऐसी दया करो महाराज, नाम न विसरे नाम न विसरे, नाम न विसरे नाम न विसरे, सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह, थैंक यू संगत फतेह जी फतेह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर गुलाटी साहब, वाहेगुरु के नाम नाल जुड़न लई धन्नवाद थोड़ा। हुण आपां सुन लैने आ रेखा जी जगदीश जी तो, रीटा सानी जी, वीना बब्बर जी, सुनाओ जी। ओम बापू नंदा चौर वालिया की सदाई जय, जय जय।
तारे ओनो कादा जी दा राखा शरदा रामे तारे ओनो कादा जी दा राखा शरदा रामे दुख ना ओ पावे जी दा बापू वाल त्याने दुख ना ओ पावे जी दा बापू वाल त्याने डारे ओनो कादा जी दा राखा शरदा रामे डारे ओनो कादा जी दा राखा शरदा रामे दुख ना ओ पावे जी दा बापू वाल त्याने दुख ना ओ पावे जी दा बापू वाल त्याने पल्ला जिन्ने फड़ लिया ओम दरबार दा पल्ला जिन्ने फड़ लिया ओम दरबार दा प्रेम वाली बाजी कदी जीत के ना हार दा प्रेम वाली बाजी कदी जीत के ना हार दा गीता भी ये कहंदी ए नी माने आदा माने गीता भी ये कहंदी ए नी माने आदा माने चारे ओनो कादा जी दा राखा शरदा रामे चारे ओनो कादा जी दा राखा शरदा रामे दुख ना ओ पावे जी दा बापू वाल त्याने दुख ना ओ पावे जी दा बापू वाल त्याने दुनिया दे वांगू गल गल ते नहीं रुसदा वांगू गल गल ते निरुसदा जेड़ा ओनू याद करे राखा बने उसदा जेड़ा ओनू याद करे राखा बने उसदा सच्चे आते झूठे नू लेंदा ओ पछाने सच्चे आते झूठे नू लेंदा ओ पछाने डरे ओनू का दा जी दा राखा शरदा रामे डरे ओनु कादा जी दा राखा शरदा रामे दुख ना ओ पावे जी दा बापू वाल त्याने दुख ना ओ पावे जी दा बापू वाल त्याने जेड़ा किसे उत्ते उपकार करे हस के जेड़ा किसे उत्ते उपकार करे हसके ओदी मदद वास्ते भगवान आवे नस के ओदी मदद वास्ते भगवान आवे नस के दिल दिया ना जाने ता ओ कादा जानी जाने दिल दिया ना जाने ता ओ कादा जानी जाने डरे ओनू कादा जी दा राखा शरदा रामे डरे ओनू कादा जी दा राखा शरदा रामे दुख ना ओ पावे जी दा बापू वाल त्याने दुख ना ओ पावे जी दा बापू वाल त्याने बीती नू पोला दे जेड़ी रहंदी ए सवार ले बीती नू पोला दे जेड़ी रहंदी ए सवार ले फेर मिली उसनू पहले मन नु तू मार ले फिर मिली उसनु पहले मन नु तू मार ले बापू लड़ लगाया बंदे एही तेरी शान है बापू लड़ लगाया बंदे एही तेरी शान है डरे ओनु कादा जी दा राखा शरदा राम है दुख ना ओ पावे जी दा बापू वाल त्याने ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा वाह जी वाह बिल्कुल जी बिल्कुल ओनू डर कादा जी दा राखा शरदा राम है ओनू डर नहीं है तू मेरा राखा तब नहीं था हां जी लगाओ जी मधु जी
रीटा जी तुसी कल मधु जी को दो सुनने ने आज भाई कल मधु जी नु टाइम नहीं मिले मधु जी हाँ जी मैं क्या घोषणा के बाद सुनने में तो हाँ हाँ मधु जी तो रीटा जी तो वीना जी तो बब्बर जी तो ही सुनाओ लगा दो जयकारा लगाओ रीटा जी फिर तैयार सारे संगत जय बापू जी जय जय झंडे की सदा जय नाम रस मीठारे नाम रस मीठारे नाम रस मीठारे पीवे जी कोई पीवे संत सुजान पीवे जी कोई पीवे चतुर सुजान नाम रस मीठारे नाम रस मीठारे नाम रस मीठारे हरि का रस मीठारे राजमहल की रानी पी गई एक बूंद इस रस का राजमहल की रानी पी गई एक बूंद इस रस का आधी रात महल तज चल दी रहा न मन वहा बस का आधी रात महल तज चल दी रहा न मन वहा बस का गिरधर की दीवानी मीरा गिरधर की दीवानी मीरा ध्यान छूटा जश का बन बन ढूंढे श्याम बावरी बन बन ढूंढे श्याम बावरी लगा नाम का चस्का नाम रस मीठारे नाम रस मीठारे पीवे जी कोई पीवे संत महान पीवे जी कोई पीवे चतुर सुजान नाम रस मीठारे नाम रस मीठारे नाम रस मीठारे नाम देव रस पियानुपम सफल बना लई काया नाम देव रस पियानुपम सफल बना लई काया नरसी का एक तारा कैसे जगत पति को भाया नरसी का एक तारा कैसे जगत पति को भाया तुलसी सूर फिरे मधुमाते तुलसी सूर फिरे मधुमाते नस नस नशा समाया नरसी कायिक तारा कैसे जगतपति को भाया भर भर पी गई ब्रज पनिहारन भर भर पी गई ब्रज पनिहारन सुंदर प्रीतम पाया नाम रस मीठारे नाम रस मीठारे पीवे जी कोई पीवे संत महान
पीवे जी कोई पीवे संत महान नाम रस मीठारे नाम रस मीठारे ये रस पी गया संत कबीरा मन हरि पाछे डोले ये रस पी गया संत कबीरा मन हरि पाछे डोले राम राम कह कृष्ण कृष्ण कह हंस हंस उसकी बोले राम राम कह कृष्ण कृष्ण कह नस नस उसकी बोले चाख हरी रस मगन नाचते चाख हरी रस मगन नाचते शिव सन का दिक डोले नाम रस मीठारे चाख हरी रस मगन नाचते शिव सन का दिक डोले ये रस है अनमोल प्यारे ये रस है अनमोल प्यारे हृदय के पट खोल प्यारे हृदय के पट खोल प्यारे नाम से इसको धोले नाम रस मीठा रे नाम रस मीठा रे पीवे जी कोई पीवे संत महान पीवे जी कोई पीवे चतुर सुजान नाम रस मीठारे नाम रस मीठारे नाम रस मीठारे हरि का जश मीठारे बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय ओम बापू नंदा चोर वाले आपके सदा है हाँ जी वाह राम रस मीठा है लेकिन कोई कोई संत महान पींदा है बिल्कुल ठीक गल है जी बड़ी ओहदे ते ओही कृपा कर दे महाराज तां ही गल थैंक यू जी बड़े प्यार नाल तुसी गांदे हो गॉड ब्लेस यू हाँ जी वीना जी जा अपने मधु जी फिर उस तो बाद संतोष जी जय जी जय बोल बांके बिहारी लाल की जय रूठ गई है सारी दुनिया अब अपने हुए पराए सावरिया और नंद के लाला तुम बिन रहा न जाए आजा लग जाग ले नंद लाल आयो आज सामने है आजा लग जाग ले नंद लाल आयो आज सावन है आयो आज सावन आयो आज सावन है तुझे झूला झूलाऊ नंद लाल आओ आज सावन है तुझे झूला झूलाऊ नंद लाल आओ आज सावन है रिम झिम सावन बरसे तेरे मिलन को मन मेरा तरसे आज दिल का सुनाऊ तुझे हाल आओ आज सावन है आजा लग जाग ले नंद लाल आओ आज सावन है प्यार भरी रुत आई रे काना ना करना अब कोई बहाना मैंने तन मन दिया तुझे वार आओ सामन है आजा लग जागले नंदलाल
आ जाओ अज सामने है तुझे झूला झिलाऊ नंद लाल, आओ अज सामने है मोर पपिया नाचे गाए, मेरा दिल भी मचला जाए, मैं तो नाचू पकड़ तेरा हाथ, आओ अज सामने है आजा लग जा गले नंद लाल, आओ अज सामने है तुझे झूला झूलाऊ नंद लाल, आओ अज सामने है। घिर घिरे आई काली बदरिया, अब तो आजा बांके सवरिया, इस पगली की सुन ले पुकार, आओ अज सामने है आजा लग जा गले नंद लाल, आओ अज सामने है तुझे झूला झूलाऊ नंद लाल, आओ अज सामने है। बस एक बार तो आजा प्यारे, मुरली मधुर सुना जा प्यारे, छेड़े सी मीठी झनकारे, आओ अज सामने है आजा लग जा गले नंद लाल, आओ अज सामने है तुझे झूला झूलाऊ नंद लाल, आओ अज सामने है, आओ अज सामने है, आओ अज सामने है आजा लग जा गले नंद लाल, आओ अज सामने है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हाँ जी, मधु आप गाएं, मधु जी आप गा लो। बोल बापू नंदा चोर वालिया आपकी सगाई, बोल शिव शंकर बोले नाथ की जय। छोटे छोटे गणपति छोटे छोटे पांव, छम छम नाचे देखो गोरा जी के लाल, छोटे छोटे गणपति छोटे छोटे पांव, छम छम नाचे देखो गोरा जी के लाल, मात पिता का करे जियान, परिक्रमा लगाए देखो सुबह और शाम, छोटे छोटे गणपति छोटे छोटे पांव, छम छम नाचे देखो गोरा जी के लाल, दुर्वा की माला पहने गणराज, बल और बुद्धि के दाता गणराज, छोटे छोटे गणपति छोटे छोटे पांव, छम छम नाचे देखो गोरा जी के लाल, रिद्धि और सिद्धि के स्वामी गणराज, मुशक सवारी करे देखो गणराज, छोटे छोटे गणपति छोटे छोटे पांव, छम छम नाचे देखो गोरा जी के लाल, सब देवों के देव है महान, विद्वानों के हरता है गणराज, छोटे छोटे गणपति छोटे छोटे पांव, छम छम नाचे देखो गोरा जी के लाल, मुशक का भोग लगाए दिन रात, सफल करे देखो भगतों के काज, मुशक का भोग लगाए दिन रात, सफल करे देखो भगतों के काज, छोटे छोटे गणपति छोटे छोटे पांव, छम छम नाचे देखो गोरा जी के लाल, बोल शिव शंकर बोले नाथ की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय,
श्याम सुंदर निहारा वाले क्यों खड़ा मुख मोड़ के, श्याम सुंदर हारा वाले क्यों खड़ा मुख मोड़ के, बसी तेरी मैं नहीं लई है ले गई यमुना रोड़ के, बसी तेरी मैं नहीं लई है ले गई यमुना रोड़ के, बाग लगानिया बगीचा लगानिया विच लगानिया मेरी, बाग लगानिया बगीचा लगानिया विच लगानिया मेरी, शाम मेरे दा पीला पीतांबर राधा दी साड़ी केसरी, राधा दी साड़ी केसरी, श्याम सुंदर हारा वाले क्यों खड़ा मुख मोड़ के, क्यों खड़ा मुख मोड़ के, बाग लगानिया बाग लगानिया बगीचा लगानिया विच लवानिया बेरिया, बाग लगानिया बगीचा लवानिया विच लवानिया बेरिया, लब लब थकिया ने अखियां मेरिया कानू लाया ने देरिया, कानू लाया ने देरिया, श्याम कुंडला वाले आवे क्यों खड़ा मुख मोड़ के, बाग लगानिया बगीचा लगानिया विच लगानिया तोरिया, बाग लगानिया बगीचा लवानिया विच लवानिया तोरिया, शाम ता मेरा काला काला सखिया ने गोरिया, सखिया सारिया गोरिया, शाम कुंडला वाले आवे क्यों खड़ा मुख मोड़ के, क्यों खड़ा मुख मोड़ के, बाग लगानिया बगीचा लवानिया विच लवानिया जामनू, बाग लगानिया बगीचा लवानिया विच लवानिया जामनू, या रब्बा मेरी जान काढ ले, या रब्बा मेरी जान काढ ले, जा मिला दे मैनू शाम नू, जा मिला मैनू शाम नू, या रब्बा मेरी जान काढ ले, या रब्बा मेरी जान काढ ले, जा मिला दे शाम नू, शाम कुंडला वाले आवे क्यों खड़ा मुख मोड़ के, क्यों खड़ा मुख मोड़ के, बोल बांके बिहारी लाल की जय। वाह जी वाह, बहुत सुंदर मधुर जी, सुंदर हाजरी आप, या तो मेरी जान कर ले या मिला दे शाम, इंतहा है मोहब्बत की है, या तो मेरी जान कर ले या मिला दे शाम, बड़ा ही सुंदर। कैसे रिकॉर्डिंग बंद है? हाँ जी रिकॉर्डिंग बंद है। अच्छा रिकॉर्डिंग बंद तो की नहीं थी मेरे ख्याल से, मैंने तो भाई रिकॉर्डिंग तो चल रही है, बंद है। हाँ चल रही चल नहीं, रही है, चालू है, चालू है। नहीं अब चालू है। नहीं नहीं फिक्र मत करो, आप देख रहे ना रिकॉर्डिंग हो चुकी है आपकी, चालू है, चालू है। हाँ जी यहाँ भी चालू है और प्रभु के घर पे भी चालू है आपकी, सब दोनों जगह लगी हाजरी आपकी, जूम पे भी और प्रभु के घर पे भी। हाँ जी
तो अभी सुन लेते हैं। संतोष मैं जी तुसी नहीं लगाई, हाँ जी तुसी लगाओ। रोजी भी जुड़ गई, सारे सत करतार बापू जी जय जयकार। हाँ जी मैंने परसों ही बोला था अभी रिकॉर्डिंग बंद। नहीं नहीं वो ठीक थी, मैंने आपको बोला था वो सुनो, उसमें मैं भेजी आपको, शायद मैं देखता हूँ वीडियो। लगाओ जी लगाओ। जय बापू जी, जय बापू, जय बापू। चोर वाले आए आपकी सदा की जय। ओम बापू शर्मा राम जी महाराज आपकी सदा जय। बिहारी लाल की जय। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। जिसके द्वारे जाए पुकारे, कोई ना मीत हमारो। अब की बार तो बांह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम्हें संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम्हें संग नाता जोड़ा। एक बार तो हंस कर कह दो, एक बार तो हंस कर कह दो, मैं तेरा तू मेरा। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। प्रीत सिखा दो, साची प्रीत की रीत सिखा दो, ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, दास की विनती सुन ली जो, ओ ब्रजराज दुलारे। दास की विनती सुन ली जो, ओ ब्रजराज दुलारे। आखरी आस यही जीवन की, पूर्ण करना प्यारे। आखरी आस यही जीवन की, पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बोल बांके बिहारी लाल की जय। वाह जी वाह, संतोष बहन जी आनंद हो गया अभी।
एक बार तो हंस के कह दे भी तू मेरा मैं तेरा, वाह वाह वाह, अच्छा है। उसमें है एक मुझे याद आ रहा है कि सारे कहंदे मैं तेरा तेरा, कि मैं भी आखां प्रभु मैं तेरा, एक बार तू भी हंस के कह दे कि मैं गुरुमुख हाँ तेरा, एक बारी सतगुरु तू भी कह दे कि तू बापू है मेरा। बड़ा ही सुंदर है, बहुत सुंदर। और ये मेरे सामने कुछ आए हैं, मैं थोड़ा सा समय लेता हूं कि एक बड़े बड़े शब्द के ऊपर है, जो शब्द है ना, जो वर्ड्स हैं, देखो वर्ड्स में कितनी शक्ति होती है। इसमें ये लिखा है कि शब्दों में बड़ी जान होती है, शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है, हैं? यही समुद्र के वो मोती हैं, यही समुद्र के वो मोती हैं जिनसे इंसानों की, इंसानों को पहचान होती है ना। तो अब शब्दों की बात ही है सारी, है ना। शब्द जो है हमें खुश कर देते हैं। मैं आपकी तारीफ करता हूँ, वाह क्या गाया है, क्या आपने गाया संतोष बहन जी, बेबी जी है, रोजी वाह, जुगिंदर सिंह जी, गुलाटी साहब, क्या नाम के साथ आपने जोड़ा है, आप खुश हो जाए, है ना। वही कोई हमें कोई अपशब्द आके कह दे तो कितना मन को कष्ट होता है ना। तो ये शब्द जो है ना, बड़े बड़ा ही बड़ी महत्वता रखते हैं जीवन में, बड़ी इंपॉर्टेंस है इनकी। शब्दों के ऊपर बड़ा ध्यान देना चाहिए, जितने सुंदर शब्द घर पे भी, जो कई बार है ना आशरा लोग बोल देते हैं इधर उधर के ना, जो शब्द नहीं बोलने चाहिए घरों में, ऐसे ही मजाक में इधर उधर का ना, तो ना ना, बहुत शब्दों में बड़ी जान होती है और उनकी पूरी तरंगे आती है, शब्दों की तरंगे आती है। कैसे ओम ना, सारे संत लोग कहते हैं ना अपने घर में जहाँ पे पाठ होता है वहां बैठा करो, पॉजिटिव एनर्जी आती है, ये वो क्यों आती है, कहा नाम। जो नंदाचोर धाम में क्या है, नाम की जो सुंदर सुंदर शब्द वहां पे होते हैं, उच्चारण होते हैं गुरबाणी के, गीता माता के, रामायण जी के, जो करते हैं सुबह यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, ये सारे इसीलिए इतना पवित्र है। सारे मंदिर गुरुद्वारे क्यों पवित्र हैं, शब्द वाणी, शब्द ऐसे विचार चलते हैं मंदिरों गुरुद्वारों में। तो ये शब्दों का बड़ी बड़ा ही बड़ी इंपॉर्टेंस है जीवन में, बिल्कुल। शब्द के हाथ ना पांव, देखो शब्द के हाथ ना पांव, एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे घाव। कितना सुंदर बात है, बिल्कुल बिल्कुल। घाव भी यही देते हैं और मरम भी ये लगाते हैं, शब्दों में इतनी जान होती है भी। शब्दों को बड़े ध्यान से अपने मुखारविंद से जितना हो सके सुंदर शब्दावली हमने प्रयोग में लानी है, ताकि सामने वाले को, वो कहते हैं ना भी जो काग है, काग किसी के पैसे थोड़ा लेता है, किसी के छीनता थोड़ा है, सिर्फ आवाज उसकी जो वाणी में मधुरता नहीं है ना, शब्दों में मधुरता नहीं है, वही कोयल है, बिना बात के खुश कर देती, स्माइल आ जाती चेहरे पे, इतना सुंदर कूप लगाती है वो। सो ये जो है ना, शब्दों का बिल्कुल सुंदर सुंदर उच्चारण करें भी, शब्द से किसी को नाम, किसी का दिल ना दुखाएं, हमेशा ऐसे शब्द बोलें कि मन सामने वाले का खुश हो जाए। तो ये शब्दों की वो कहते हैं ना, कैसी वाणी बोलिए मन का पाखो, आरन को शीतल करे आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। शब्दों का ध्यान रखना है हमें जीवन में, और जितना हो सके सुंदर सुंदर शब्द। वाह, ये फिर को ये एक और आया है सामने, ये देखो, वाह,
कि रंग लागत 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 है, भाव भागत 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 है। धीरे धीरे सत्संग में आएंगे तो हमें रंग चढ़ेगा प्रभु के प्रेम का, है ना, सतगुरु के प्रेम का रंग धीरे 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 है। तो ये धीरे धीरे जो है ना रंग चढ़ता है तो फिर आपका जो है ना सारा आपका पूरा ऑरा बदल जाता है, आपका स्वभाव में एकदम सहजता आती है, बिल्कुल कोमलता आती है, सहन शक्ति आती है, जो किसी को क्षमा करने की ऐसी शक्ति प्रभु प्रदान करते हैं। तो उसमें क्या आप में वो कुटिलता जो है अगर कोई तो वो भी दूर होती है ना। किसी के साथ सहानुभूति करोगे आप, किसी के साथ आप सब दूसरों का दुख दर्द बांटोगे, ये वाणी का ये सत्संग का इतना असर होता है कि रंग लागत 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 है। धीरे 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 ऐसा लग जाएगा रंग, फिर वो सारे रंग जो फीके लगेंगे, फिर वो कहता है कि कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा लैंदा रहंदा। इश्क तेरे दा रंग मेरे सतगुर चढ़िया कदे ना लैंदा। इश्क तेरे दा रंग मेरे सतगुर चढ़िया कदे ना लैंदा। फिर ऐसा रंग चढ़ जाएगा कि फिर हमें वो रंग लागत 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 है, जिसमें आपको ऐसा आनंद की प्राप्ति होगी जिसका कोई हिसाब नहीं। और भाव भागत 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 है। अब क्या है कि भाव मीन्स ये डर जो है, जो डर जो है ना धीरे धीरे भागत 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 है, धीरे 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 एकदम निर्भयता आ जाती है आपके जीवन में, निर्भयता आ जाती है। फिर आप किसी भी प्रॉब्लम से डरते नहीं है, उसका सामना करते हैं, कहते कोई बात नहीं है, प्रभु की इच्छा है, प्रभु की इच्छा के साथ ये मेरी प्रॉब्लम सामने आई है तो मैं डरना थोड़ा है, मैं तो इसको फेस करूंगा, मैं इसको जो भी इसका समाधान हो सकेगा प्रभु की कृपा से मैं करूंगा। तो ये होता है सत्संग का इतना असर होता है जीवन में कि रंग लागत 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 है, भाव भागत 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 है। जीवन में कितना हम जो ऐसा हो जाएगा, वो मेरा एक ऐसा होगा, कैसे चिंता कितनी बात है ना, वो सारा भाव जो है वो कहते हैं ना भी उसको वो डर कहे का, अभी भी गाया ना उन्होंने क्या था वो, फिर वो जिसको ओनू डर का है जिदा राखा शरदा राम है ना, जो जिसको सतगुरु ने मतलब के ये दे दिया है आशीर्वाद दे दिया है, फिर उसको डर किस बात का है। सतगुरु ने नाम दान बख्श दिया तो फिर डर कोई किसी बात का नहीं है उसको। फिर क्या है कि भाव भागत 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 है। पापों के हाँ काड़ा जीओ तू मेरा राखा सबनी थाए, तापों के हाँ काड़ा जीओ तू मेरा राखा। वो हर जगह पे रक्षा करने वाला है भाई। फिर डर किस बात का है, फिर किसी चीज की चिंता नहीं करना। वाह वाह, चलो तो अभी अब आपसे बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। तो अब सुनते हैं रोजी से कुछ कोई प्रसंग, कोई भजन, कोई जो भी सुनाना चाहेंगे रोजी आप सुनाए, फिर बेबी जी से सुनते हैं। सदा ही जय। जी जय श्री गुरु ग्रंथ साहिब संत बापू पानक दास जी की वाणी से। हाँ जी, बापू जी फरमा रहे हैं, शब्द है, संत समागम दीजे मोहे, संत समागम दीजे मोहे, जिन में प्रभु पाऊं मैं तोहे। वाह,
संत बड़े तेरे दरबारी, संत बड़े तेरे दरबारी, तिन में पाऊं प्रभु खबर तुम्हारी। अच्छा, एक मिनट रोशनी, माफी चाहती हूँ। आप ये दो जी लाइनें पढ़ो भैया। भैया ऐसा सरल है, आप ये दो लाइनों की व्याख्या कर दो हाँ, ऐसे। अगर मुझे थोड़ा बहुत पता है तो कर दे, रोजी भी कर सकती है, मैं भी कर सकता हूँ हाँ जी अगर भाई, जरूर। बता दो। जैसे बहुत ये आनंद। पहली, जी ये फर्स्ट लाइन आई है, संत समागम दीजिए भूमि। तो बापू पानव दास जी फरमाते हैं कि मुझे जो है संत समागम मिले, कि संतों का आना जाना, संतों का संग मिले, है ना भैया ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, संत समागम होता जी है, ये जो ये प्रोग्राम्स होते हैं, जो समागम होते हैं, जी संतों का यज्ञ हो गया, धर्म कथा, और ये कहीं पे वो कहते हैं ना, हाँ तुलसीदास जी कहते हैं अभी, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, सही संत बात समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये जो है। संतों का समागम है, संतों का कथा है, जो हरि कथा मिलती है, ये बड़ी दुर्लभ है, ये बड़ी कम मिलती है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, ये हमें बख्शो, ये कह रहे हैं संत समागम मुझे मिले, जिसके मैं खबर, जिससे मैं पता ले सकूं, प्रभु की चर्चा होती है, प्रभु के बारे में बताते हैं। तो उसमें आगे क्या लाइन है पढ़े? संत बड़े तेरे दरबारी, तिन में पाऊं प्रभु खबर तुम्हारी। हाँ, तेरे दरबार पे जो आने वाले दरबारी हैं, जो आपके प्यारे हैं, दरबार तेरे दरबार के जो सेवक हैं, तो खबर उनसे मिलेगी, प्रभु की जी चर्चा जहाँ हो रही होगी तो उन्हीं से मिलेगी ना, जहाँ ऐसे दुनिया भर के ये कारों की या कोई कपड़ों की या ऐसे नेम ब्रांड्स की अगर बात हो रही है, तो वहां पे वो चीज मिलेगी। अगर संत समागम में जाएंगे, गुरु द्वारे जाएंगे, मंदिर जाएंगे, प्रभु के समागम में जाएंगे, तो वहां प्रभु की ही खबर मिलेगी, प्रभु के बारे में ही पता चलेगा, अभी प्रभु क्या है, उनकी उस तत्व के बारे में पता चलेगा। हाँ जी, पापे तेरी जन होए दयाला, चरण दिखाए देह तत्काला। दोबारा फिर पढ़ो। तापे, हाँ ताप तापे, तापे हाँ तेरे हाँ जन होए दयाला, कि उन पर जो तुम्हारे जन है वो दयाल होते हैं। चरण दिखाए देह तत्काला, आप है ये तेरे जन होए दयाला, है जो आपके ऊपर, आप ताप है तेरे जन होए होए दयाला। हाँ दयाला, हाँ चरण दिखाए देह तत्काला। चरण दिखाए देह तत्काला, मतलब कि इतनी जल्दी आपका नाम लेने से आपके जो आएंगे, जो हम लोग, जैसे मैं समागम में गया, उनके ऊपर तेरे जन, तेरे जो भक्त हैं, वो दयाल हो जाते हैं। जो जैसे मैं आऊं सत्संग में, गुरु में आऊं, मैं दरबार पे आऊं, संतों के डेरे पे आऊं, तो प्रभु जो है, सतगुरु है, अपने पे दयाल हो जाते हैं। ये भी हम एक मतलब निकाल सकते हैं। अभी तेरे ताप है तेरे जन, तेरे जन मीन्स तेरे भक्त, तेरे संत, तेरे जो संत है प्रभु, वो हम जैसे लोगों पे वो दयाल हो जाते हैं, जो सुनने के लिए आते हैं, जो समझने के लिए आते हैं, सत्संग में आते हैं, संत समागम में आते हैं, ये भी हंसते हैं, प्रभु भी दयाल होते हैं सभी के ऊपर, और संत जन भी दयाल हो जाते हैं भक्तों के ऊपर, जो अपने सेवकों के ऊपर, अपनी जो संगत के ऊपर। हाँ, और चरण चरण वाली क्या लाइन दोबारा पढ़ो। चरण दिखाए देह तत्काला। चरण दिखाए दे तत्काल, अभी चरणों का सेवा करने, आप बताओ इसका क्या क्या हो सकता है। निकल सकता है कि हम चरणों के, जो संतों के चरण दिखाने का मतलब, जल्दी जल्दी दर्शन कराते जाओ उनके संतों के। हाँ, हाँ, संतों ये हाँ, की कृपा है, जल्दी से उनके चरण जल्दी पखारने से, जल्दी चरणों की सेवा करने से जल्दी प्रभु के भी दर्शन होते हैं, वो दयाल होते हैं। हाँ जी, संत मिले ते हर रंग लागे, संत मिले तो सब भ्रम भागे। बस सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, संशय दूर हो जाते हैं, ये कैसे हो, कैसे ऐसा नहीं हो सकता है। जो संतों की जो वाणी सुनते हैं, जो भक्त माल सुनते हैं, तो ये सारे संशय दूर हो जाते हैं, संशय संशय ही तो है, ये दुविधा जो है मन में है, कैसे है, नहीं, ऐसा कैसा होती है, सारी दुविधा दूर हो जाती है संतों के आने से। इससे पहले लाइन क्या थी? संत मिले तो हर रंग लागे, हाँ, हर संत रंग, मिले तो, हाँ
तो संतों के मिलने से हरि का रंग लगता है, प्रभु का रंग लगता है, अभी सबको रंग लगता है, जो भी मतलब इसका निकाल सकते हैं, सुंदर बात है। हरि का रंग लगता है, प्रभु का रंग लग जाता है आपको, संत मिले थे तो, और साथ में आपका कल्याण। हाँ जी, संत संत चरण की कर मोहे धूरी, कह पानप पाऊ मत पूरी, कह पानप पाऊ मत पूरी, पाऊ मत पूरी। हाँ, तो मुझे आप संतों के चरणों की धूड़ बना दो। हम कहते हैं ना, अंतर जामी पुरख बिधाते श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास यह सुख मांगे मोको कर संतन की धूड़े। वही बात कही है पारमदास जी ने, क्यों संतों की चरण धूड़ मुझे मिल जाए, उनकी चरण धूड़ बना दो मुझको, ताकि फिर से पढ़ो दोनों लाइनें। तह पान पाऊ मत पूरी, हाँ तह पाऊ मैं उनके चरणों की जो पाऊ मत पूरी, वो मुझे मेरी जो है ना मति भी बिल्कुल ठीक हो जाए। पहली लाइन भी क्या थी, संत चरण की कर मोहे धूरी, कह पानप पाऊ मत पूरी। हाँ, मुझे मत पूरी मिल जाए, मुझे मुझे सुमत बख्शो प्रभु, या मुझे चरणों की धूरी, कर मोहे धूरी, वही बात गुरु नानक देव जी वाली, पाऊ नहीं चरणों की धूड़, मुझे चरणों की धूड़ बना दो उनके, इतना मुझे नम्रता दे दो कि मैं चरणों की धूड़ बन जाऊं, और मुझे पूरी बुद्धि दो महाराज, ज्ञान बख्शो, ज्ञान दान बख्शो, मुझे मेरी मत पूरी हो जाए, मत मेरे मुझे सुमत बख्शो महाराज। हाँ जी, आगे स्तुति की है। ओम श्री परमात्मने नमः, श्री बाबा मग्नि राम जी सहाय, श्री बाबा पानप दास जी सहाय, और सर्व संतों की दया, श्री स्वामी महाराज पानप दास जी साहब जी की वाणी। कहा विनती तेरी करूं बनाए, कहा विनती तेरी करूं बनाए, अपरम पार अगम गति तेरी, कहनी कथनी कथी न जाए, अपरम पार अगम गति तेरी, कहनी कथनी कहने में नहीं आती है, करने में नहीं आती है, कथने में कुछ सुनाने में आती नहीं, आपकी इतनी इतनी महिमा है, हम कहने कथने में आ ही नहीं सकती। पहले उन्होंने बाबा मग्नि राम जी को, बाबा पानप देव जी को, जिन्होंने ग्रंथ लिखा है, सबको प्रणाम किया है, गुरुजनों को प्रणाम किया है ना, पानप देव जी के भी गुरु बाबा मग्नि राम जी हुए है ना, फिर पानप देव जी का अगला अवतार हुआ है बाबा परमहंस बापू ठाकुर जी महाराज का, सबको प्रणाम करके इन्होंने, जिन्होंने ग्रंथ लिखा है, ग्रंथ लिखने वालों का नाम फिर भी आप बताएं जी, किन्होंने लिखा है ये वाला, ये भगवान दास जी, महंत भगवान दास जी ने। हाँ, महंत भगवान दास जी ने लिखा है, तो वो उन्होंने उनको ये यही है, भी आपकी महिमा कर ही नहीं सकते, ये तो ऐसे कुछ थोड़ा बहुत जो भी लिख सकते हैं, उनकी महिमा अपरंपार है, ये लिखा है उन्होंने। हाँ जी, मुँह तो क्रूर कपट बहु कामी, मुँह में गत मत एको नाही। ये पहली लाइन क्या है, क्रूर क्या लिखा है, हाँ जी, हूँ तो क्रूर कपटी बहु कामी, मुँह में गति मति एको नाही। मतलब बात का भी, मैं इतना क्रूर हूँ, मैं इतना कठोर हृदय का हूँ, क्रूर और क्या लिखा है, कपटी हूँ मैं, धोखा देने वाला हूँ सबको, और बहु कामी हूँ, ये काम में मैं इतना मतलब के फंसा हुआ हूँ, काम के ऊपर तो ये सबसे लाइक मोस्ट पावरफुल इमोशंस बोलते हैं अभी इसको, ये जो है जो काम है, तो इसमें तो कबीर साहब ने बड़ा लिखा है इनको, मतलब गधे के साथ इनका किया हुआ है, कामी खोता बोला है उन्होंने, तो ये जो बहुत बड़ा मतलब के काम में फंसा हुआ हूँ मैं, कपटी हूँ मैं, है मैं क्रूर हूँ, आहा कितनी नम्रता, ये संत लोग नम्रता, मतलब ये सब में थोड़ा वो होगा, सब में किसी ज्यादा किसी में काम करो लोग मोसे, कौन मतलब के कौन नहीं भटका है इसमें, सभी तो सारी दुनिया है, लेकिन कहने में बड़ी शक्ति चाहिए, अपने को इतना नम्र करना, ये संत लोग ही कर सकते, इनसे हमें सीख मिलती है, भी जब ये इतने बड़े कबीर साहब जैसे, और ये सारे अपने आप को अपना अधम बोलते हैं, कोई कभी कुछ कोई बोलता है सूरदास जी जैसे, इनसे ये शिक्षा मिलती है, ये हमें समझाने के लिए थे, ये इतने नहीं फंसे हुए काम में,
ये फंसने वालों का काम ही नहीं है, ये बताऊं मैं आपको। चाहे भगवान दास जी हो, चाहे संत हो, जो भी लिखते हैं, ये नहीं फंसते हैं। ये हम लोगों को चिताने के लिए, हम लोगों को बताने के लिए, हम लोगों को ये ना झिझोड़ने के लिए ये लिखते हैं सब, जहां तक मैं जानता हूं। ये अपने ऊपर, इनके ऊपर नहीं, ये थोड़ा फंसे हुए हैं इन चीजों में, लिख ही नहीं सकते। इतनी सुंदर जो वाणी लिखते हैं ये, इनसे इनको पता होता है, ये इनसे बड़ा दूर गए होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बहुत दूर चले जाते हैं, तब ये लिखी जाती है इतनी सुंदर जो है रचनाएं। लेकिन हमें समझाने के लिए, हमें हमें जो गृहस्थी लोग हैं खास करके, इनको समझाने के लिए भी बड़ा, ये बड़ा सुंदर। दोबारा से पढ़ो ये लाइनें दोबारा। कामी कपटी तो क्रूर कपटी बहु कामी, मोह में गतिमति एको नाही। मेरे में कोई गतिमति किसी तरह का कोई है नहीं, ना दिमाग है, ना मेरी कोई गत है, मेरे में कोई अवस्था ही नहीं है उस तक मैं पहुंच सकू, या मेरी ऐसी अवस्था नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं या वहां पहुंच सकूं। हाँ जी, गत नहीं। तुम बिन ठोर और ना कोई, राखो भावे देह बहाए। एक में तो आपके बिना मेरी कोई जगह ही नहीं है, कोई ठोर नहीं, कोई जगह नहीं जहां पे चला जाऊं। उसके बाद क्या लाइन है? राखो भावे देह बहाए, राखो भावे भावे देह बहाए, या तो रख लो अपनी शरण में या बहा दो, या आपकी इच्छा है, या मेरी अच्छा, या तो मेरी जान ले लो। देह बहाए भी, देह होगा तो या तो रख लो अपने चरणों में, या मुझे अपनी शरण दे दो, तो या फिर देह को मेरी को फिनिश कर दो। अच्छा बहाए, वाह वाह, अच्छा है। आन देव सब मनो विसारे, आन देव सब मनो विसारे, निस्वासर प्रभु तुम्हारी चाह, जित देखो तित तुम ही दीखो, लाग रहो तुम्हारी सरनाए। आन देव सब मनो विसारे, आन देव है? हाँ जी, सब आन सब देव मन, सब मनो विसारे, मतलब देव मीन्स सारे देवता वगैरह मैंने मन से विसार दिए हैं, हाँ जी, मन से भुला दिए हैं, और सब देवता मैंने विसार, और सब देवता मैंने भुला दिए हैं, मन से मैंने भुला दिए हैं। और इसके बाद निस्वासर प्रभु तुम्हारी चाह, निस्वासर निस्वासर प्रभु तुम्हारी चाह, दिन रात या हर वक्त मुझे यही आपकी चाह है, आप ही की जरूरत है, आप ही की जरूरत, दिन रात मुझे तुम ही देखो, लगा रहो तुम्हारी शरणाए। हाँ, जहां भी मैं देखूं तो आप ही मुझे नजर आओ, या आते हो या आओ प्रभु, ऐसी मेरे पे कृपा कर दो, आओ। और हम तो ये कह सकते हैं, हम तो ये वाला, मैं तो यही कहूंगा भी नहीं, इस बार जहां पे भी देखूं प्रभु आप मुझे नजर आए, आते हो तो ये तो कबीर साहब या नानक जी या भगवान जी कह सकते हैं। और इसके बाद क्या है? तुम सर्व योग होए सब तुम ते, तुम बिन दूजा मेरे कोई नाही। हाँ, आप ही सर्व हो, आप ही सब कुछ हो, आप इस आपसे सभी कुछ होता है, आपसे सारा सृष्टि पैदा हुई है, आपसे सब कुछ हुआ है प्रभु, आपसे ये सब कुछ। हाँ जी, तुमको लाज व्रत तेरो भारी, कोई न बूढ़ो तेरो दास कहाए। तुमको लाज व्रत तेरो भारी, कोई न बूढ़ो तेरो दास कहाए। आप ही को मतलब के है, मेरी लाज रखना आप ही के हाथ में है, तुमको लाज व्रत के व्रत लिखा है, व्रत ध है, ध व्रत तेरो भारी, कोई ना बूढ़ो तेरो दास, व्रत मेरे ख्याल से तेरो भारी, आपकी जो व्रत मीन जैसे बिरद होता है पंजाबी में, तो उसको तो इसका भी आपकी जो आपकी नेचर ही ऐसी है भी, आपका भारी, इतनी सुंदर नेचर आपकी, सुंदर आपका तो स्वभाव ही है प्रभु, क्षमा करने का या दान देना, ये है, ये इसका शायद मतलब होगा। हाँ जी जी, साधु संगत मिल तुमको जाना, व्याप रहे सर्व जल थल माहे। बस आप सब जगह व्याप रहे हो, साधु संघ के साथ ही मैंने ये जाना है, उनका संग करने के बाद ही,
जल थल में हर जगह, पानी में, धरती में, आकाश में, सब जगह आप ही आप हैं प्रभु। हाँ जी, कह पानव समर्थ मेरा स्वामी, अब राखो चरणों लिपटाए, आप समर्थ हैं, आप कैपेबल ऑफ, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग प्रभु। आप ही सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ करने में कागा को हंस बना सकते हैं, मृत को जीवालन हार है, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। और दूसरी लाइन क्या थी? अब राखो चरणों लिपटाए, क्या हा चरणों से लिपटा के रखो, मैं आपके चरणों के साथ बस लिपटा रहूं प्रभु, एकदम आपके चरणों के साथ लिपटा रहूं। बहुत बढ़िया। हाँ जी, कहां विनती तेरी करूं बनाए, कहां विनती तेरी करूं बनाए, अपरंपार अगम गति तेरी। हाँ हाँ जी, विनती विनती कहां विनती मतलब तेरी, हाँ जी, करूं बनाए, कहां विनती तेरी करूं बनाए, अपरंपार अगम गति तेरी, कहने कथने कथी न जाए। हाँ, तेरी विनती को मैं कैसे आपकी विनती, मैं कैसे आपको पाने के लिए, कहां विनती तेरी करूं बनाए, कैसे मैं आपकी विनती ऐसे बनाऊं कि आपको विनती करूं कि ताकि मैं ऐसे करूं कि आपके चरणों के साथ जुड़ा रहूं। एक एक लाइन करके पढ़ते, इसके बाद के क्या लाइन थी? कहां विनती तेरी करूं, अपरंपार अगम गत तेरी, अपरंपार अगम का आपका, यू आर इनफिनाइट, आपका पार पाया नहीं जा सकता ना, अगम अपरंपार, कहनी कथनी कथी न जाए, ना कहने में आते हो, ना कह कथने में आते हो, ना लिखने में आते, कुछ भी आते ही नहीं हो आप प्रभु, आपकी महिमा आप ही जानो। हाँ, जय बाबा, आज के लिए जय बाबा। वाह वाह, बहुत सुंदर है भाई, कमाल की ये रचनाएं हैं। ये हमें सत्संग में आने से ना, ये बहुत बड़ी बात ये मिलती है सत्संग में, कि सभी भक्तों का चरित्र देख लो, संतों का, सभी का, ये ना हमें नम्रता से भरपूर कर, नम्रता से भरपूर कर देता है, अगर उस पे असर करें तो। वाणी में इतनी शक्ति होती है, अगर असर हो जाए, वो भी प्रभु की कृपा हो, खुद कोशिश करने से शायद इतना नहीं होता जितना प्रभु की कृपा से उसके तर्स कर ले, तभी बात बात। बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका रोजी। हाँ जी, जय बापू जी, जय बापू जी, जय बापू शारदा राम जी महाराज आपकी सदा। व्याख्या करके ना बहुत चरणों में तेरे जाऊं बलिहारी, हे कृष्ण गोविंद माधव मुरारी, चरणों में तेरे जाऊं बलिहारी, कृष्ण गोविंद माधव मुरारी, हे कृष्ण गोविंद माधव मुरारी, तेरी याद दिल से जाती नहीं है, पलकों में नींद मेरे आती नहीं है, तेरी याद से पलकों में नींद मेरे आती नहीं है, सपनों में देखी, सपनों में देखी जब से मूरत तुम्हारी, हे कृष्ण गोविंद माधव मुरारी, चरणों में तेरे जाऊं बलिहारी, हे कृष्ण गोविंद
माधव मुरारी हे कृष्ण गोविंद माधव मुरारी। सात सुरों की बंसी फिर से बजा दे युगल छवि की प्यारी झांकी दिखा दे। सात सुरों की बंसी फिर से बजा दे युगल छवि की प्यारी झांकी दिखा दे। अरज करूं मैं तेरे तुझसे बांके बिहारी हे कृष्ण गोविंद माधव मुरारी। अरज करूं मैं तो से बांके बिहारी हे कृष्ण गोविंद माधव मुरारी। चरणों में तेरे जाऊं बलिहारी हे कृष्ण गोविंद माधव मुरारी। मर्जी तुम्हारी आओ ना बुलाता रहूंगा जितना सताना सता। मर्जी तुम्हारी बुलाता रहूंगा जितना सताना सताऊ। सुत बुध भुला के कहाँ गए तुम मुरारी सुध बुध भुला के कहाँ गए तुम मुरारी गोविंद माधव मुरारी। चरणों में तेरे जाऊं बलिहारी हे कृष्ण गोविंद माधव मुरारी। हे कृष्ण गोविंद माधव मुरारी। सूरत तुम्हारी ने चित को चुराया चैन भी खोया मेरा दिल भी दुखाया। सूरत तुम्हारी ने चित को चुराया चैन भी खोया मेरा दिल भी दुखाया। कभी तो मिलोगे करते कभी तो मिलोगे करते रास मुरारी कभी तो मिलोगे करते रास मुरारी हे कृष्ण गोविंद माधव मुरारी। चरणों में तेरे जाऊं बलिहारी हे कृष्ण गोविंद माधव मुरारी। हे कृष्ण गोविंद माधव मुरारी। हे कृष्ण गोविंद माधव मुरारी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बापू श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। वाह जी वाह, बहुत सुंदर आपने गाया है। बेबी गार्डिंग लगाओ सत्संग जी। रचना अर्ज कर रहे हैं, नई रचना है इस
एक कनाड़ा की तकती है बापू ने खोल लिखवाई है थोड़े सामने अर्ज कर रहे हैं। हाले कुछ ये बंद बने गए ने ते जो होर कंप्लीट होगी सुना देंगा। ते सत्संग जी एक बड़ा नुसरत ते फतरी खा अली खान का गाया है फिल्म का बहुत सोहना गया दुल्हे का चेहरा सुहाना लगता है कि दुल्हन का भी दिल दीवाना लगता है। इसकी तरह से बड़ी मिठी बड़ी प्यारी है। तो इसके उत्ते कुछ बापू जी ने अल्फाज लिखाए ने मैं सत्संग के चरण च बीबी हरमीत कौर की तरफ अर्ज कर बत प्रकाश जी। अच्छा बापू के दरियाना लगता है, अच्छा बापू के दरियाना लगता है, रिश्ता बापू से पुराना लगता है। अच्छा बाप कोई रिश्ता ही है जुड़े पे हैं जनाब। हाँ अच्छा बापू के दरियाना लगता है, रिश्ता बापू से पुराना लगता है, जुड़ गए बापू तेरे से रिश्ते, जुड़ गए बापू तेरे से रिश्ते, अब तो हर मौसम सुहाना लगता है, रिश्ता बापू से पुराना लगता है, अब तो हर मौसम सुहाना, अब तो हर मौसम सुहाना लगता है, बापू के दरिया छाना लगता है। अस्कार सत्संग यूं लगे तुझसे बंधा है जन्म का बंधन, यूं लगे तुझसे बंधा है जन्म का बंधन, पतझड़ द्वारे पे तेरे बन जाती है सावन, दर तेरे पे आके हल होती सभी उलझन, दर तेरा ऊंचा बड़ा बापू बड़ा पावन, यूं लगे तुझसे बंधा है जन्मों का बंधन, पतझड़ द्वारे पे तेरे बन जाती है सावन, दर तेरे पे आके हल होती सभी उलझन, दर तेरा ऊंचा बड़ा बापू बड़ा पावन, जीवन जीवन तू मेरा जीवन, के जीवन जीवन तू मेरा जीवन, जीवन 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 जन्मों जन्मों का बुद्ध प्रकाश जी, जन्मों जन्मों का यराना लगता है तेरे से बापू, के जन्मों जन्मों का यराना लगता है, रिश्ता बापू से पुराना लगता है, जुड़ गए बापू तेरे से है रिश्ते, जुड़ गए बापू तेरे से है रिश्ते, अब तो हर मौसम सुहाना लगता है, अच्छा बापू के दरियाना लगता है, अच्छा बापू के दरियाना लगता है। अस्कार है बीबी हरमीत कौर जी तरफ सत्संग जी। बापू जी सेवक ये आशिक है तेरा दीवाना है, सेवक ये आशिक है तेरा दीवाना है, चल रहा द्वारे पे तेरे नाम का मखाना है, चल रहा द्वारे पे तेरे नाम का मखाना है, आस लेके जो भी तेरे दर पे आएंगे, हो जाएंगी हल उलझने वो मुस्कुराएंगे, आस लेके जो भी तेरे दर पे आएंगे, हो जाएंगी हल उलझने वो मुस्कुराएंगे, ना कोई दर तेरे बेगाना लगता है, ना कोई दर तेरे बेगाना लगता है, रिश्ता बापू से पुराना लगता है, जन्मों जन्मों का यराना लगता है, जुड़ गए बापू तेरे से है रिश्ते, जुड़ गए बापू तेरे से है रिश्ते, अब तो हर मौसम सुहाना लगता है, रिश्ता बापू से पुराना लगता है, अच्छा बापू के दरियाना लगता है, अच्छा बापू के दरियाना लगता है,
रिश्ता बापू से पुराना लगता है, जन्मों जन्मों का यराना लगता है, रिश्ता बापू से पुराना लगता है। शुक्रिया शासक, धन्यवाद जी। बिल्कुल जी बिल्कुल, रिश्ता है ये, देखो जुड़े है, महाराज ने जुड़े है, कृपा बनी रहे, रिश्ता बनया रहे, बहुत सुंदर है भजन सिंह जी। एक होर कोई शब्द, एक तुसी भजन पहले गा लो, पाए नागपाल जी पाए होर जी, या शालू जी गा लेंदे ने, फिर आपां ओ करवा लो तुसी ओम नाम दा जाप। ठीक है, हां जी मैं गावां। हां जी, तुसी 7 बजे दा रख्या है ना टाइम, तुसी ओम नाम शालू जी गा लो, फिर एक फिर उस तो बाद ओम नाम दा। ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा, जय बापू दी, सारी संगत नु जय बापू दी, जय बापू दी जी, जय बापू दी। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, इसके दर पर तू आ करके देख, इसके दर पर तू आ करके देख, तेरा जीवन सवर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, इसकी यादों में खो करके देख, इसकी यादों में खो करके देख, जीवन खुशियों से भर जाएगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, नाम अमृत तू पी करके देख, नाम अमृत तू पी करके देख, बेड़ा भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, होगी हर गली में चर्चा तेरी, होगी हर गली में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, फिर न जाने किधर जाएगा, फिर न जाने किधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली तेरी भर जाएगा, राम झोली तेरी भर जाएगा, राम कहने
से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बहुत सुंदर शालू जी, तो नागपाल जी जोड़ेंगे राम के नाम शब्द सत्कर्तार सत्कर्तार लगाओ। ओम बापू नंदा चौर वाले आया की Oh.
चौर वाले आपकी सदा ही जय जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना करो शोक अंता करण धीरे धीरे करो शुद्ध अंता करण धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की करो प्रेम से पूजा हरि की करो प्रेम से सेवा अपने गुरु की तो मिल जाएगा वो तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे तो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तेरे हाथ पांव में बल ना रहेगा तेरे हाथ पांव में बल ना रहेगा झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे बुराई से मन को प्यारे अपने हटा ले बुराई से मन को प्यारे अपने हटा ले
बन जाएगा तेरा, बन जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। वाह बहुत सोना नागपाल जी, धीरे 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 हो जाएगा जूम सिंगल भी 24/7 धीरे धीरे। आज मैं पहले ही दस रहा सी कि रंग लागत 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 है, भाव भागत 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 है, धीरे धीरे अपने आप सारा रंग चढ़ेगा महाराज, जैसे दिल तो डर जाएगा। बहुत सुंदर। हाँ जी शाम जी सुना लेन, फिर मैं कथा सुना लू, बक्की जी जानी है बोल दी। बोल बांके प्यारी लाल की जय, लाला के मुरारी वे सानू बंसी सुना दे, मुख नाल ला के मुरारी वे सानू बंसी सुना दे, मुरली सुना के सानू मस्त बना दे, मुरली मुरली सुना के सानू मस्त बना दे, मुख नाल ला के मुरारी वे सानू बंसी सुना दे, मुरली वे शाम तेरी बांस दी पोरी, मुरली वे शाम तेरी बांस दी पोरी, तेरा ते रंग काला राधा तेरी गोरी, तेरा ते रंग काला राधा तेरी गोरी, जोड़ी तो जावा बलिहार वे सानू बंसी सुना दे, जोड़ी तू जावा बलिहार वे सानू बंसी सुना दे, मुख नाल ला के मुरार वे सानू बंसी सुना दे, मुरली तेरी ने फूका मारिया, मुरली तेरी ने फूका मारिया, दौड़ के आया ब्रज दिया नारिया, चांद दीदी अनम्यूट कर लो, मैं गलती ना थोड़ा करता सी, मैं वो करना, तुसी कर अनम्यूट करो, दोबारा तो गा दो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो चांद दीदी, चांद जी अनम्यूट करो। मेरे को पांच सात मोरिया दर्शन तेरे सारिया, मिनता करा ले लख वार वे सानू बंसी सुना दे, मिनता करा ले लख वार वे सानू बंसी सुना दे, मुख नाल ला के मुरारे सानू बंसी सुना दे, मुरली तेरी तू शमा सद के जावा, मुरली तेरी तू शमा सद के जावा, मक्खन मिश्री दा भोग लगावा, मक्खन मिश्री दा भोग लगावा, ले आवा लड्डू आंदा थे सानू बंसी सुना दे, ले आवा लड्डू आंदा थे सानू बंसी सुना दे, मुख नाल ला के मुरा सानू बंसी सुना दे, मुरली सुना के सानू मस्त बना दे, मुरली सुना के सानू मस्त बना दे, मुख नाल ला के मुरा सानू बंसी सुना दे, मुख नाल ला के मुरा सानू बंसी सुना दे।
ਬੋਲ ਬਾਂਕੇ ਬਿਆਰੀ ਲਾਲ ਕੀ ਜੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਚਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਸੁਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਲਗਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ। ਬਾਪੂ ਨੰਦਾ ਚੌਰ ਵਾਲਿਆ ਆਪੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। ਜੈ ਜੀ ਜੈ। ਪਰਮਹੰਸ ਬਾਬੂ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। ਜੈ ਡੰਡੋਤ ਵੰਦਨ ਅਣਕ ਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ਼ਧਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੁਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਰੋਸਾ ਨਗਰ ਕੇ ਨਿਕਟ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਭਰਮਣ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇ ਆਤੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਾਸ਼ਟਾਂਗ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਆ। ਉਨਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਡਲ ਪਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕੀ ਬਜਾਏ ਉਦਾਸੀ ਛਲਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਰੇ ਆਓ ਭਾਈ, ਵਿਧੀ ਰਾਮ ਥੋੜਾ ਰਾਮ, ਆਪ ਕੁਸ਼ਲ ਐਮ ਅਨੰਤ ਸੇ ਤੋ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਪਰਿਚਿਤ ਸੰਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੇਕਰ ਪੁਕਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਧੂ ਉਚਕਿਤ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਬੋਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਸੇ ਹਮਾਰਾ ਮਿਲਨ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਹੁਆ, ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਨਾਮੋਂ ਕੋ ਕੈਸੇ ਜਾਣਤੇ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਵਾਹ, ਯੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਬ ਏਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤੋਂ ਸੇ ਵਾਇਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੁਕ ਸਥਾਨ ਪਰ ਹਮਸੇ ਅਵਸ਼ਯ ਮਿਲਣਾ, ਤੋ ਫਿਰ ਵਹਿ ਉਨਕੇ ਨਾਮੋਂ ਕੋ ਕੈਸੇ ਭੁੱਲ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਨੇ ਤੋ ਹਮੇ ਔਰ ਵੀ ਆਸ਼ਚਰਿਆ ਮੇਂ ਡਾਲ ਦੀਆ, ਵਹਿ ਮਿਲਣ ਵਹਿ ਮਾਲਾ ਕਬ ਔਰ ਕਹਾਂ ਹੁਆ ਥਾ। ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿਆ, ਯਾਦ ਕਰੇ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਮੇਂ ਹਮ ਪਾਨਵ ਦੇਵ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਜਾਣੇ ਜਾਤੇ ਥੇ। ਸੰਸਾਰ ਸੇ ਵਿਦਾ ਹੋਤੇ ਸਮੇਂ ਹਮਨੇ ਆਪਸੇ 12 ਵਰਸ਼ੀਯ ਬਾਲ ਰੂਪ ਮੇਂ ਮਾਝਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਮਿਲਨੇ ਕਾ ਵਾਦਾ ਕੀਆ ਥਾ। ਆਪ ਹਮਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਣੀ ਲਾਏ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋ ਵੇ ਸਭੀ ਬਾਤੇ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਵਹਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੋਂ ਮੇਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕਰ ਬੋਲੇ, ਹਮ ਆਪਕੋ ਹੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਹਮਾਰੀ ਚਿਰ ਆਕਾਂਸ਼ਿਤ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਅਬ ਆਪ ਹਮੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੋਂ ਮੇਂ ਆਜੀਵਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਕਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੂਰਵਕ ਉਨਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੇ 61 ਵਰਸ਼ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਸਥਾਨ ਸਥਾਨ ਪਰ ਭਰਮਣ ਕਰ ਭਗਤੋਂ ਕੋ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਆ ਔਰ ਉਨ ਪਰ ਅਨਵਰਤ ਆਪਣੀ ਸਨੇਹਿਤ ਸੁਧਾ ਕੀ ਵਰਸ਼ਾ ਕੀ। ਏਕ ਵਾਰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਮੇਂ ਭਯੰਕਰ ਬਾੜ ਆ ਗਈ, ਰੋਸਾ ਨਗਰ ਔਰ ਆਸ ਪਾਸ ਕੀ ਭੂਮੀ ਬਾੜ ਕੀ ਚਪੇਟ ਮੇਂ ਆ ਗਈ। ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਕੀ ਕੁਟੀਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੇ ਨਾ ਬਚ ਸਕੀ। ਕੁਟੀਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣੇ ਕਾ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਤੇ ਹੀ ਪੰਡਾਲੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਤੀਨ ਭਾਈਓ ਸਰਦਾਰ ਦਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਬੂੜਾ ਸਿੰਘ ਕੋ ਸਾਥ ਲੇਕਰ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਾਂਵ ਚਲਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ। ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੇ ਉਨਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀ ਔਰ ਉਨਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਆ ਕਿ ਵਹਿ ਕੁਟੀਆ ਕੇ ਲਈ ਸਥਾਨ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੇ। ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੇ ਵਹਾਂ ਕੀ ਭੂਮੀ ਕੋ ਦੇਖਾ ਔਰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਯੇ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲੇ, ਇਤਨੀ ਇੱਛਾ ਅੱਛੀ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਹਮੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ, ਹਮੇ ਤੋ ਯੇ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਦੇ ਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਬੰਧੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਬੰਜਰ ਹੈ, ਇਸ ਮੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰੇ ਜਹਾਂ ਭੂਮੀ ਕੀ ਅੰਦਰ ਸੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸਾਂਪ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਤੇ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ, ਹਮ ਯਹਾਂ ਸਭੀ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੇਂਗੇ, ਫਲਦਾਰ ਵਰਿਕਸ਼ ਲਗਾਏਂਗੇ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਮੇਂ ਵੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਪੂਰੀ ਸੀਮਾ ਮੇਂ ਸਾਂਪ ਕਹੀਂ ਕਿਸੀ ਕੋ ਕਾਟੇਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਯਦੀ ਕਿਸੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਮੇਂ ਸਾਂਪ ਕਾਟ ਵੀ ਲੇਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕਾ ਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ। ਫਿਰ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਯੇ ਤੋ ਹਮਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਹਮਨੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਮੇਂ ਤਪ ਕੀਆ ਥਾ, ਜਬ ਉਸ ਸਥਾਨ ਪਰ ਭੂਮੀ ਕੋ ਕਾਫ਼ੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਖੋਦਾ ਗਿਆ ਤੋ ਅੰਦਰ ਏਕ ਪੱਕਾ ਆਸਣ, ਰੂਣੀ, ਚਰਨ, ਪਾਦਕਾਏ, ਚਿਮਟਾ ਔਰ ਕੁਛ ਬਰਤਨ ਮਿਲੇ।
सभी लोग ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए और श्रद्धा पूर्वक ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। भूमिका वह भाग जो लगभग 27 एकड़ था उन्हें भेंट कर दिया और ठाकुर जी ने रहने के लिए उस स्थान पर कुटिया बनाई, बाग लगवाया जिसमें थोड़े ही समय में सुंदर वनस्पति लहराने लगी। लोगों ने देखा कि उस क्षेत्र में सांप तो निकलते रहे परंतु वह किसी को काटते नहीं थे और यदि किसी को काट भी लिया तो उसका विष नहीं चढ़ता था। आज भी वहां की यही स्थिति है। भूगर्भ से प्राप्त ठाकुर जी के तप की निशानियां उनके प्रयोग में आने वाली एक गढ़वी और एक प्याला आज भी उस डेरे में स्थापित है। सम्मत 1891 विक्रमी में ठाकुर जी की अवस्था 61 वर्ष हो गई थी किंतु वे 12 वर्षीय बाल रूप में ही रहे। अब ठाकुर जी ने अपनी देह त्यागने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने कुछ श्रद्धालु भक्तों को बुलाकर कहा कि अब हम भौतिक शरीर का त्याग करेंगे, आप हमारे मृत देह को अग्नि में ना जलाना और ना ही भूमि में गाड़ना, इसको रावी दरिया में जल प्रवाह कर देना और कहीं हमारी समाधि भी ना बनवाना। भगत जन ये सुनकर बहुत व्यथित हुए और ठाकुर जी से विक्षोभ की कल्पना करके हार्दिक पीड़ा अनुभव करने लगे। ठाकुर जी ने यौगिक क्रिया द्वारा ब्रह्म रंध्र से स्वेच्छा से देह त्याग कर दिया। संगत ने उनका अंतिम संस्कार उनके आदेश अनुसार ही किया। उनकी देह को चंदन के एक बक्से में सम्मान पूर्वक स्थापित करके उसका रावी दरिया में जल प्रवाह कर दिया। ठाकुर जी जिस भी स्थान पर पधारे वह स्थान उनके भक्तों के लिए एक तीर्थ बन गया। ठाकुर जी के मत अनुसार उनकी तपोभूमि के 360 स्थान हैं, जिनमें से कुछ प्रगट हैं और कुछ गुप्त हैं। समय समय पर ठाकुर जी की इच्छा अनुसार वह पवित्र स्थान प्रकट होते रहेंगे। ठाकुर जी के पवित्र स्थानों में नरवड़ पाकिस्तान, सारावाली पाकिस्तान, अटारी, चंबा, रोसा, रामबाग, दुरांगला, लालूचक, आनंदपुर, पटाला, अमृतसर, रियासत अलवर की गुफा और लोके साहब हस्ती। परमहंस श्री ठाकुर जी महाराज जी के बहुत शिष्य थे जिन्होंने ठाकुर जी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर अपना जीवन सफल किया। उनके शिष्यों में सबसे प्रमुख शिष्य बापू ज्वाला सिंह जी थे जिन्होंने परमहंस श्री ठाकुर जी महाराज जी से प्राप्त ब्रह्म ज्ञान से ऐसे शिष्य तैयार किए जिनकी तपस्या और साधना से आज तक पूरा विश्व लाभवंत हो रहा। श्री ठाकुर जी के प्रिय शिष्य बापू श्री ज्वाला सिंह जी महाराज जी के पावन चित्र का वर्णन हम अगले अध्याय में करेंगे। बोलो परमहंस बापू ठाकुर जी महाराज आपकी सदा की जय। पवित्र होए सुन दे पवित्र होए जे तेरा नाम दयालया, वसे विकुंठ परम गत पावे हरि गदा नाम दयालया। चोर वाले आपकी सदा ही जय। 61 दे रहे ने, 61 दे हो गए गए ने बापू जी, बापू ठाकुर जी ते 112 साल दी अवस्था। वाह वाह, 61 12 साल जय हो, बहुत सुंदर। थैंक यू। हां जी, अच्छा वाह, हुण तां कोई दर्शन दे ही नहीं रहा जिन्ने नहीं गाया होवे। बाकी अजे तां अजे पे आराम नाल अद्धा घंटा ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕੁਝ। ਰੋਜ਼ੀ ਆਪ ਆ ਗਈ ਹੋ? ਰੋਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਣਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਆਪਣਾ, ਮੁਝੇ ਜਾਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਕੋ, ਰੋਜ਼ੀ ਕੋ ਬਣਾ ਦੇਤਾ ਹੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਸੁਣਾਓ ਸੁਣਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਫਿਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਖਰੀ ਅੱਜ 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਰਾਹ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗਾਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਓ। ਜੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ।
पर पहले ओम उच्चारण कर लिए। हाँ ओम उच्चारण तो हो गया अपना संगीता संगीता। अच्छा आपके पास आज टाइम है अगर वो सुनाना चाहते हैं मैं भगवत गीता का अगर समय है ना आज तुलसीदास जी का सुना दे तो कल देखते हैं। ठीक है गौतम डाकू गौतम डाकू गौतम जी सुनाना। अच्छा जो मर्जी सुनाओ जी पूरा ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। कुछ ऐसे मन के अंधे हैं और मूर्ख मन के खाम बहुत कुछ चोर जो चोरी करते हैं खाते हैं माल हराम बहुत कुछ ऐसे मन के अंधे हैं और मूर्ख मन के खाम बहुत कुछ चोर जो चोरी करते हैं खाते हैं माल हराम बहुत कुछ जाबर अपने जोर के बल पर आप अपना हुक्म चलाते हैं कुछ हत्यारे हत्या करके जालिम खून बहाते हैं लाखों पापी ऐसे हैं जो पाप कमाते जाते हैं जो जो कर्म ये करते हैं वो सर पर बोझ उठाते हैं हाथ जो छीने गैर की दौलत फानी है वो फानी है आंख जो बुरे गैर की औरत आंख जो बुरे बुरे गैर की औरत फानी है वो फानी है ठहरो मुसाफर वरना खंजर सीने में से पार कर दूंगा। गुरबाणी है बहु परपंच कर धन पर धन ल्यावे सुत दारा पर आन लुटावे मन मेरे भूले कपट ना कीजे अंत निबेरा तेरे जीओ जी दीजे जीओ दीजे। डाकू एक बैठा ताक में था एक साधु उधर से आ निकला एक तारा उसके हाथ में था वो गोविंद गोविंद गा निकला। डाकू बैठा ही ताक ते गौतम उधरों एक साधु आ गया जरा गोविंद गोविंद गा रहा था। डाकू ने मार्ग रोक लिया बोला जो पास निकाल दे वस्त्र भो वस्त्र झोले में जो कुछ है सब माल मता दे डाल यहाँ। डाकू ने मार्ग रोक लिया बोला जो पास निकाल यहाँ वस्त्र झोले में जो कुछ है सब माल मता दे डाल यहाँ। वो संत हरि के प्यारे थे डाकू पर करुणा कर बोले भाई पास हमारे कुछ भी नहीं खाली है बगली और झोले जिस वक्त जरूरत होती है जो चाहते हैं पा जाता है गोपाल की कृपा ऐसी है बिन मांगे ही मिल जाता है। डाकू ने झोला देख लिया वो बिल्कुल खालम खाली था एक मुरली थी मनमोहन की जो सारे जग का वाली था। ओ मेरे घनश्याम मेरे घनश्याम ओ साधु गाई जा रही थी मेरे घनश्याम। डाकू बोला ए बाबा मुझे भूख ने बड़ा सताया है मैं कब से राह में बैठा हूँ एक तू ही मुसाफर आया है। साधु मुस्काया और बोला बता तुझे क्या खाना है फल मिठाई हलवा की चोरी पूरी जो कुछ खाना है। डाकू ने झोला देखा था उसमें तो मुरली खाली थी था बड़ा अचंबा डाकू को साधु की बात निराली थी। डाकू ने पहले फल मांगे साधु ने उसे निकाल दिए फिर लड्डू मांगे डाकू ने तो लड्डू आगे डाल दिए। तब साधु के चरणों में गिरकर डाकू ने प्रणाम किया और कृपा करके साधु ने उसको अंतर मंत्र हरि नाम दिया मंत्र देता हर नाम हरि नाम दा। गुरु दक्षिणा में साधु बोले ए भाई नेक कमाई कर
कुछ काम करो चोरी छोड़ो मन मेरा खूब सफाई कर। डाकू बोला आदत पकी गुरुदेव हटानी मुश्किल है, कुछ काम नहीं आता मुझको मेहनत कर खानी मुश्किल है। चोरी ना छोड़ो छोड़ तो इतना कर के चार वचन पक्के कर जाओ, सत्य बोलन साधु सेवा भगवान को भोग लगा कर खाओ। चौथे भगवान के सत्संग में हर रोज ही शामिल हो जाओ, ये चार वचन पालन करके तुम मन से निर्मल हो जाओ। उन्हें चार वचन मांगो कहता दे दो, इतना सत बोलना है, साधु की सेवा करनी है, ते रोज सत्संग करना है, भगवान को भोग लगाना है। ले गुरु मंत्र आशीर्वाद वो लुट मार करता रहा, चोरी करके साधु सेवा जो बन जाए करता रहा। जो बचता भगवत अर्पण करके बाद में भोग लगाता था, दिल दिन को भजन रात को चोरी अब वो संत कहता था। हुण संत कहन लगे दिने तां वो अपना भजन बंदगी करता सी ते रात नूं चोरी डाके करता। एक दिन साधु भूखे मिल गए पास नहीं कुछ खाने को, डाकू संत बिचारे मन में चोरी करके लाने को। डाकू ने मन विचार किया हूं है नहीं कोई तो चोरी करके लियाने हैं, इन्हें तो खाना पैना। जा तारा तोड़ा बनिए का और पीठ लगाई बोरी है, चूहे की टुक थी बोरी में वो भेद बताती चोरी है। वो जड़ी बोरी चक के रही ना बनिए तो ओदे टुक लग्या सी ते दाणे रस्ते च गिरी जांदे सी। गोविंद गोपाल राधे मुरारी, गोविंद गोपाल राधे मुरारी, पीछे गिरने वाले दाने मार्ग का पता बताते थे, ते चोर संत की जी मस्ती में वो गोविंद गोविंद गाते थे। नाल तो चोरी कीती ते नाल गोविंद गोविंद गा रही। बनिए ने सुबह आ देखा गोदाम का टूटा ताला है, दाने बिखरे बतलाते हैं जिस तरफ गया घोटाला है। उन्हें देखिए कि दाने किधर गए हुए ने। तब नारायण ने पक्षी राज गरुड़ से कहा, मेरे नाम और साधु भेष दोनों की लाज रखो। भगवान ने पता लग गया कि इन्हें चोरी की थी संतों वास्ते लियाने वास्ते, तो उनके लाज रखी गरुड़ कर। तब लाखों चिड़ियों के दोने धावा बोल दिया, दाने दाने पर टूट पड़े एक एक ने मुखड़ा खोल दिया। जिन्हें दाने गिरे सी बोरी चो वो सारे गरुड़ जो पक्षी राज सारे चिड़िया ने उन्होंने चोरे। करूं सदा भगतों की रखवारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, करूं सदा भगतों की रखवारी। जब सेवा भाव और भजन से मन निर्मल हो गया तो खुद आए एक दिन शाम जी, शाम खुद आए एक दिन प्रभु। आखिर एक दिन भेष बदल कर शाम जी राधा और ग्वाल बाल संग साधु बने तमाम। श्री राधा और ग्वाल बाल संग साधु बने तमाम, भक्त के घर पर आकर बोले जय जय राधे श्याम। साधु भूखे हैं भगत भोजन से है काम, भगत के घर पर आकर बोले जय जय राधे श्याम। भगवान अपनी परीक्षा लेने वास्ते उसने सोचा भोजन क्या घर में, घर न धन न दाना है, साधु आसन रख करे बोल ये हमने खा कर जाना है। भगत ने कहा कुछ देर लगेगी भोजन अभी बनाना है, ऐसे कहकर बाहर निकल गया चोरी करके लाना है। क्या चोरी करके लाना चोरी करके लाना। अभी कोशिश के अंतर्गत कुछ भी हाथ ना आता है, साधु घर भूखे बैठे हैं और समय बीतता जाता है। सुबह से शाम लगी होने को उसका मन घबराता है, खाली घर को नहीं जाना वो तरफ जंगल के जाता है। एक तू ही सहारा ओ सांवरे, फिर वो पुकार कर रहा है
ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਉਹ ਥਾਂ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਭਗਤ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਹੈ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਰਾਧਾ ਜੀ ਕੋ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਖੁਦ ਬਾਂਕਾ ਛੈਲ ਦਿਹਾਤੀ ਮਨ ਰਾਧਾ ਕੋ ਨਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਬਸਤਰ ਗਹਿਣੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਰਾਧਾ ਜੀ ਕੋ ਪਹਿਨਾਇਆ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਰਾਧਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਬ ਚਾਰ ਗਵਾਲ ਕਹਾਰ ਬਣੇ ਸੁੰਦਰ ਡੋਲੀ ਮੰਗਵਾਈ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਭਰੀ ਲੀ ਮੇਵੋਂ ਕੀ ਲੱਡੂ ਬਰਫੀ ਔਰ ਮਿਠਾਈ ਚੱਲ ਦੀਏ ਭਗਤ ਸੇ ਲੁੱਟਣੇ ਕੋ ਵੋ ਲੀਲਾ ਧਾਰੀ ਹਰ ਰਾਈ ਜਿਸ ਤਰਫ ਭਗਤ ਥਾਂ ਬੈਠਾ ਥਾਂ ਬੋਲੇ ਚੱਲ ਜਲਦੀ ਰੇ ਨਾਈ ਜਿੱਧਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਭਗਤ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਕਭੀ ਪੀਛੇ ਦੇਖਤੇ ਜਾਤੇ ਥੇ ਕਭੀ ਆਗੇ ਬੜੇ ਬੜਤੇ ਜਾਤੇ ਥੇ ਜੰਗਲ ਮੇ ਕੋਈ ਲੂਟ ਨਾ ਲੇ ਯੇ ਬਾਤੇ ਕਰਤੇ ਜਾਤੇ ਥੇ ਚਾਪ ਸੁਣੀ ਜਬ ਪਾਓ ਕੀ ਤੋ ਡਾਕੂ ਮਨ ਮੇ ਹਰਸ਼ਾਇਆ ਕੋਈ ਮੋਟੀ ਮੁਰਗੀ ਆਤੀ ਹੈ ਖੰਜਰ ਕੋ ਇਸਨੇ ਚਮਕਾਇਆ ਮਾਰਗ ਆ ਰੋਕਾ ਡੋਲੀ ਕਾ ਔਰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਚਿਲਾਇਆ ਰੱਖ ਦੋ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਪਾਸ ਜਹਾਂ ਆਕਰ ਮੋਹਨ ਕੋ ਧਮਕਾਇਆ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਕਿ ਰੱਖ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਮਾਰੇ ਡਰ ਕੇ ਡੋਲੀ ਕੇ ਨੀਚੇ ਛੁਪ ਗਏ ਭਗਵਾਨ ਡਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਉਹਦੇ ਡੋਲੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਛੁਪ ਗਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਮਾਰਨਾ ਮਤ ਡੋਲੀ ਮੇ ਕੌਣ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਵੋ ਹੈ ਭਜਨ ਕਹੋ ਆਪਣੀ ਉਨਸੇ ਵੋ ਦੇਵਰ ਉਤਾਰੇ ਅਗਰ ਨਾ ਉਤਾਰੇ ਤੋ ਹਮ ਤੁਮਕੋ ਮਾਰੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇ ਆਪ ਦੇਵ ਉਤਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਨਾ ਮਾਰੋ ਜੇ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਮੇ ਨਾ ਡਰਾਓ ਕਿ ਹਮ ਡਰ ਰਹੇ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਨਾ ਡਰਾਓ ਅਸੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਝੇ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ੇ ਦੇ ਡਾਲੇ ਤੁਮਨੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਉਧਰ ਤੁਮ ਪਧਾਰੋ ਇਧਰ ਹਮ ਪਧਾਰੇ ਕੰਧੇ ਆਪਣੀ ਉਨਸੇ ਵੋ ਦੇਵਰ ਉਤਾਰੇ ਕਹੋ ਆਪਣੀ ਉਨਸੇ ਵੋ ਦੇਵਰ ਉਤਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਉਹ ਦੇਵਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਤੁਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਮਾਲ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਮਾਲ ਲੈ ਲਓ ਅਗਰ ਲਿਓ ਲੋ ਮਿਠਾਈ ਤੋਂ ਵੋ ਥਾਲ ਲੈ ਲਓ ਵੋ ਨਾਈ ਕਾਂਧੇ ਪੇ ਸਭ ਧਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰੋ ਨਾ ਮਾਰੋ ਕਿ ਹਮ ਡਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸੁਣੋ ਜੀ ਹਮਾਰੀ ਹਿਰਦੇ ਕੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਧਨ ਮਾਲ ਸੇ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਨਏ ਔਰ ਲੈ ਦੇਂਗੇ ਘਰ ਭਰੇ ਪੜੇ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਹਮ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰੋ ਨਾ ਮਾਰੋ ਕਿ ਹਮ ਡਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸੁਹਾਗ ਕੀ ਕੰਠੀ ਭਗਵਾਨ ਕੇ ਗਲੇ ਮੇ ਛੋੜ ਕਰ ਸਭ ਸਮਾਨ ਲੂਟ ਲਿਆ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਉਠਾਏ ਘਰ ਆਇਆ ਦੇਖਾ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਹੈ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਬਣ ਕਰ ਬੈਠ ਗਏ ਮਗਰ ਕੰਠੀ ਗਲੇ ਮੇ ਹੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਕੰਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਲੁੱਟਣੇ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੋ ਲੁੱਟ ਜਾਤੇ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਖਰੀਦਣੇ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੋ ਵਿਕ ਜਾਤੇ ਹੈ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲੂਟਣੇ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੋ ਲੁੱਟ ਜਾਤੇ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਸੂਰਦਾਸ ਨੇ ਲੂਟਾ ਮੋਹਨ ਮੀਰਾ ਗਿਰਧਰ ਮੋਲ ਲਿਆ ਨਾਈ ਬਨਕਰ ਭਗਤੋਂ ਕੀ ਖਾਤਰ ਚਰਨ ਦਬਾਤੇ ਹੈ ਬਨਵਾਰੀ ਸੂਰਦਾਸ ਨੇ ਲੂਟਾ ਮੋਹਨ ਮੀਰਾ ਗਿਰਧਰ ਮੋਲ ਲਿਆ ਨਾਈ ਬਨਕਰ ਭਗਤੋਂ ਕੀ ਖਾਤਰ ਚਰਨ ਦਬਾਤੇ ਹੈ ਬਨਵਾਰੀ ਲੁੱਟਣੇ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੋ ਲੁੱਟ ਜਾਤੇ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਸੰਤ ਨੇ ਮਿਠਾਈ ਖਿਲਾਤੇ ਜਬ ਕੰਠੀ ਦੇਖੀ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੁਸਕਾਨ ਕੋ ਦੇਖਾ ਤੋ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਭਗਵਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਚਲੇ ਗਏ ਦਿਲ ਕੇ ਦਾਮਨ ਗੀਰ ਚਲੇ ਗਏ ਦਿਲ ਕੇ ਦਾਮਨ ਗੀਰ ਜਬ ਸੁਧ ਆਵੇ
शाम मिलन की जब तुद आवे, शाम मिलन की उठत कलेजे पीर चले गए दिल के दामन गीर, चले गए दिल के दामन गीर। बोल कृष्ण भगवान की जय। जय वाह, बहुत सुंदर साखी। हां जी, ते नागपाल जी है जेडी की संगीता जी, संगीता है ना? हाँ जी, हाँ जी। गाओ जी, गाओ, कुछ सुनाओ। जय बापू जी, जी सारी संगत। जय बापू जी, जय। छोटा जा भजन बापू जी दे चरना, सास संगत जी दे चरना विच अर्पित कर दिया। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो अब मैं कहां जाऊं, हर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो अब मैं कहाँ जाऊं, घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता अब भी मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले ना जो आज्ञा ले वन जाए। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता अब भी मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले ना जो आज्ञा ले वन जाए। भरत लखन से भाई को मैं, भरत लखन से भाई को मैं ढूंढ कहाँ से अब लाऊं, घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। जिसे समझते हो अपना तुम, जड़ खोदता आज वही, रामायण सी बातें जैसी लगती है सपना ही कोई। जिसे समझते हो अपना तुम, जड़ खोदता आज वही, रामायण सी बातें जैसी लगती है सपना सी कोई। तब थी दासी एक मंत्रा, तब थी दासी एक मंत्रा, आज वही घर घर पाऊं, हर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो अब मैं कहाँ जाऊं, हर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। आज दास का धर्म पना है, मालिक से तकरार करे, सेवा भाव तो दूर रहा, वो वक्त पड़े तो वार करे। आज दास का धर्म बना है, मालिक से तकरार करे, सेवा भाव तो दूर रहा, वो वक्त पड़े तो वार करे। हनुमान सा दास आज मैं, हनुमान सा दास आज मैं ढूंढ कहाँ से अब लाऊं, घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। बांट रहे बगिया को देखो,
खुद ही उसके रखवाले, अपने घर की नींव खोदते देखे मैंने घर वाले, बांट रहे बगिया को देखो खुद ही उसके रखवाले, अपने घर की नींव खोदते देखे मैंने घर वाले, तब था घर का एक ही भेदी, तब था घर का एक ही भेदी, आज वही घर घर पाऊं, हर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो अब मैं कहाँ जाऊं, हर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, 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 बोलो रामचंद्र महाराज की सतगुरु महाराज की जय। सही बात है, ये बड़ी बड़ी बदकिस्मती वाली बात है संसार के भी, ये जो है ना अब कहाँ से लाए, ना वो भाई ना वो बेटे, ऐसे कहाँ से लेके आए। बहुत सुंदर भजन किसी ने लिखा है। हाँ जी लगाओ जी लगाओ, कौन लगा, कांता बहन जी आ गए ना, कांता बहन जी तो सुनो। ओम बापू नंदा चोर वाले आपकी सदा जय, ओम शहंशाह झंडे की सदा सारी संगत को जय। बापू दा दरबार इत्थे हुंदा बेड़ा पार, है बापू दा दरबार इत्थे हुंदा बेड़ा पार, आओ देर ना करो, आओ देर ना करो, है बापू दा दरबार इत्थे हुंदा बेड़ा पार, इत्थे बापू इट लगाई लगी सच दी कमाई, इत्थे बापू इट लगाई लगी सच दी कमाई, जे वो एक तिलो हजार नहींओ रख दे उधार, जे वो एक तिलो हजार नहींओ रख दे उधार, ये है बापू दा दरबार इत्थे हुंदा बेड़ा पार, ए है बापू दा दरबार इत्थे हुंदा बेड़ा पार, आओ देर ना करो, आओ देर ना करो, आओ देर ना करो, आओ देर ना करो, जेड़ा इस दर उत्ते आवे मुहो मंगिया मुरादा पावे, जेड़ा इस दर उत्ते आवे मुहो मंगिया मुरादा पावे, आके एक वार देखो सुनी जाएगी पुकार, आके एक वार देखो सुनी जाएगी पुकार, आओ देर ना करो, आओ देर ना करो, आओ देर ना करो, आओ देर ना करो, महाबली दा दोबारा दुखी दिलां दा सहारा, महाबली दा दोबारा दुखी दिलां दा सहारा, इनी माणियां दा मान दी शक्तिमान, इनी माणियां दा मान दी शक्ति महान, दिंदा कोठियां ते कारां बख्शे लखां ते हजारा, दिंदा कोठियां ते कारां बख्शे लखां ते हजारा, ਦਿੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਦਿੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਆਓ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਓ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ, ਇਹ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ, ਆਓ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਓ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਆਸ ਬਾਪੂ ਸਦਾ ਆਉਂਦੇ ਪਾਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਆਸ ਬਾਪੂ
सदा उन्दे पास कहे संत गुरदास कम होंदे उन्दे रास कहे संत गुरदास कम होंदे उन्दे रास आओ देर ना करो आओ देर ना करो आओ देर ना करो आओ देर ना करो ए है बापू दा दरबार इत्थे हुंदा बेड़ा पार ए है बापू दा दरबार इत्थे हुंदा बेड़ा पार इत्थे ओम हर नाम बैठे आप शरदा राम इत्थे ओम हर नाम बैठे आप शरदा राम इत्थे वसदे हैं राम इत्थे वसदे हैं शाम इत्थे वसदे हैं राम इत्थे वसदे हैं शाम आओ देर ना करो आओ देर ना करो यह है बापू दा दरबार इत्थे हुंदा बेड़ा पार यह है बापू दा दरबार इत्थे हुंदा बेड़ा पार इत्थे बापू इट लगाई लगी सच दी कमाई इत्थे बापू इट लगाई लगी सच दी कमाई देवो एक तिलो हजार नहीं हो रख दे उधार देवो एक तिलो हजार नहीं हो रख दे उधार आओ देर ना करो आओ देर ना करो यह बापू दा दरबार इत्थे हुंदा बेड़ा पार यह बापू दा दरबार इत्थे हुंदा बेड़ा पार झंडा इत्थे आप लगाया उसनू शीश झुकाया झंडा इत्थे आप लगाया उसनू शीश झुकाया इंदे विच वसे ओम इंदे विच वसे ओम खिल जाए रोम रोम इंदे विच वसे ओम खिल जाए रोम रोम आओ देर ना करो आओ देर ना करो आओ देर ना लगाओ आओ दर्शन करो आओ देर ना लगाओ आओ दर्शन करो ओम ओम दी आवाज पई आवे बापू तेरे मंदरां विचों ओम ओम दी आवाज पई आवे बापू तेरे मंदरां विचों ओम ओम दी आवाज पई आवे बापू तेरे मंदरां विचों ओम ओम दी आवाज पई आवे बापू तेरे मंदरां विचों ए है बापू दा दरबार इत्थे हुंदा बेड़ा पार ए है बापू दा दरबार इत्थे हुंदा बेड़ा पार आओ देर ना करो आओ देर ना करो आओ देर ना करो आओ देर ना करो ए है बापू दा दरबार इत्थे हुंदा बेड़ा पार ए है बापू दा दरबार इत्थे हुंदा बेड़ा पार ਜੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਾਂਤਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਲਵੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਵੋ ਹਜ਼ਾਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਰੇਨੂ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲਗਾਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਨੂ ਜੀ ਤਰਿਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਚਲੋ ਲਗਾਓ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਭਈਏ ਜੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਬੋਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਕੱਲ ਦੋ ਗਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੋ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਣਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਗਾ ਲਓ ਗਾਓ ਗਾ ਦਿਓ ਗਾ ਦਿਓ ਗਾ ਦਿਓ ਰਹਿਣਾ ਜਾਏ ਮਨ ਚ ਓਮ ਬਾਪੂ ਨੰਦਾ ਚੁਰ ਵਾਲੇ ਆਇਆ ਕੀ ਸਦਾਈ ਜੈ ਜੈ ਓਮ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕੀ ਸਦਾ ਬਾਪੂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕੀ ਸਦਾ ਲੜ ਲੱਗਿਆਂ ਦੀ ਓੜੀ ਨਿਭਾਵੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ ਆਣ ਲੱਗੀ ਲੜ ਲੱਗਿਆਂ ਦੀ ਓੜੀ ਨਿਭਾਵੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ ਆਣ ਲੱਗਿਆ
ਡੂੰਘਾ ਜਗਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰਾ ਡੂੰਘਾ ਜਗਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਪਾਉ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਪਾਰ ਲਗਾਵੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ ਆਣ ਲਗਿਆ ਬਾਉ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਪਾਰ ਲਗਾਵੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ ਆਣ ਲਗਿਆ ਲੜ ਲਗਿਆ ਦਿਓੜੀ ਆਵੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ ਆਣ ਲਗਿਆ ਪਾਪ ਜਲਾਓ ਗਿਨ ਗਿਨ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਜਲਾਓ ਗਿਨ ਗਿਨ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੁਕ ਲੁਕ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੁਕ ਲੁਕ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣ ਚਿਤ ਨਾ ਧਰਾ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ ਆਣ ਲਗਿਆ ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣ ਚਿੱਤ ਨਾ ਧਰਾਵੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ ਆਣ ਲਗਿਆ ਲੜ ਲਗਿਆ ਦਿਓੜ ਨੀ ਪਾਵੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ ਆਣ ਲਗਿਆ ਲੜ ਲਗਿਆ ਦੀ ਤੋੜ ਨੀ ਖਾਵੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ ਆਣ ਲੱਗਿਆ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਅਖੰਡ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਅਖੰਡ ਸਮਾਧੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਗ ਦੀ ਦੂਰ ਉਪਾਧੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਗ ਦੀ ਦੂਰ ਉਪਾਧੀ ਬਾਪੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ ਆਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਪੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ ਆਣ ਲੱਗਿਆ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਦਿਓੜ ਨਿਖਾਵੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ ਆਣ ਲੱਗਿਆ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਦਿਓੜ ਨਿਭਾਵੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ ਆਣ ਲੱਗਿਆ ਸੰਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਣੋ ਕਾਨ ਦੇ ਕਰ ਗਿਰਧਾਰੀ ਸੁਣੋ ਕਾਨ ਦੇ ਕਰ ਗਿਰਧਾਰੀ ਬਾਪੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਵੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ ਆਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਪੂ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ ਆਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਪੂ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ ਆਣ ਲੱਗਿਆ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ ਆਣ ਲੱਗਿਆ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਦਿਓੜ ਨਿਭਾਵੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ ਆਣ ਚੋਰ ਵਾਲੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸਦਾਈ ਸਦਾ ਬਾਪੂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕੀਰਤ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਾਪੂ ਨੰਦਾ ਚੌਰ ਵਾਲਿਆ ਆਪਕੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਤ ਦੀਨ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤ
ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇਹੀ ਸਹਾਰਾ ਇਹੋ ਸਹਾਰਾ ਕਰੁਣਾਮਈ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਰੁਣਾਮਈ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਜੀ ਜੈ ਪਰਮਹੰਸ ਬਾਪੂ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਪੂ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਪੂ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਕੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਬਾਪੂ ਓਮ ਨਰਾਇਣ ਜੀ ਬਾਪੂ ਹਰਨਾਮ ਜੀ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਬਾਪੂ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਜੀ ਬਾਪੂ ਭਾਨੂਦਾਸ ਜੀ ਬਾਪੂ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘਟਾ ਪੁਸਤਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਤਾਉਣੀਆਂ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਬਖਸ਼ਣੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਜੋ ਭਾਵੇ ਉਹ ਕਰਵਾਓ ਜੋ ਨਾ ਭਾਵੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਵਾਓ ਹੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਪੇ ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਓ ਜਾਂ ਕਾਰ ਕਰੇ ਸੇਵੇ ਤਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਟੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਮਾਵਕ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਹਮਾਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰ ਜਾਣੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹੈ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਨ ਮੇਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਫਤਿਹ ਝੰਡੇ ਕੀ ਜੈ ਕਰਦੇ ਆਪ ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਬਾਪੂ ਜੈ ਬਾਪੂ ਸਭ ਨਮਸਕਾਰ